अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। हाय, तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मुझे सांस चढ़ा हुआ क्योंकि मैं पहले आते सार ना काम वगैरह करती हूँ छत पे, तो पहले जो टेक्सचर्स उठाने होते हैं, ठीक करने होते हैं, वो करती हूँ, उसके बाद जाके व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो क्या किया मैंने आके पहले, यहाँ पे शेप्स बनी आपको नज़र आ रहे होंगे उनके प्रिंट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आके वो शेप्स देखे उठाई है। ठीक है, शेप्स उठाने के बाद जगह साफ़ की है यहाँ से, और ये मैं कल शेप्स में आके गई थी जो मैंने सैंड सीमेंट की क्रमलिंग की थी। मुझे ये तक टेक्सचर पड़ा ना रहे, मैं उनकी क्रमलिंग करने के बाद शेप्स लास्ट में बना कर जाऊँ, क्योंकि उन्हें तो मनुष्य अच्छा आ गई है, फिर तो वाइटनेस आ गई है। खैर, गोला मारे से तो ये देखे मैंने इसकी वाइट प्योर सैंड सीमेंट की और ग्रिटी वाइट ग्रेनी सैंड की शेप्स बनाई थी। और मुझे चेक करने दें ये टेक्सचर की हालत कैसी है, क्योंकि व्हाट द हैक। ये देखें, मैं भी इसको क्रम्बल कर दूंगी। खैर, मैं चेक कर रही थी और टेक्सचर अभी भी एक दो टब में ही है मेरे, बाकी जो थे ये भी टब में, क्योंकि अभी सेट नहीं हुई थी, ये गीली है अभी। और ये देखें, हाँ मैंने डर्ट उठा के रखी है, मैंने इसकी वीडियो बनानी है। और जो टब्स में डर्ट थी दो तीन, उनको बाहर निकाल के रात को गई थी। ये देखें, ये ग्रे डर्ट और नाइन डर्ट का टेक्सचर, और ये मेरी सॉफ्ट डर्ट। ठीक है, यहाँ से थोड़ा पानी मारा था कि जगह साफ हो जाए थोड़ी। और ये भी सेट हो गई हुई है, बस इसको मैं भी कट वट कट के निकाल लूँगी। खैर, ये तो था मेरा थोड़ा अपडेट मेरे काम को लेकर। तो अब मैं ना मोबाइल ट्राईपॉड पे लगाती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी करना है। अपकमिंग डेज में ना इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आएगा मेरे काम में। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि मैं खुद बोर होती हूँ, आप लोगों ने तो डबल बोर्ड होना। खैर, मैं ज़रा ये मोबाइल लगा लूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि इंशाल्लाह ताला ये 10K सेलिब्रेशन भी आनी है, ये मिड में आएगी। क्योंकि पता क्या, मैं चाहे मेरे सब्सक्राइबर ऊपर हो जाए थोड़े से, लेकिन मेरी वीडियो इंशाल्लाह ताला आएगी ही आएगी, क्योंकि मेरी उस पर तैयारी थोड़ी बहुत। कह रही हूँ कि मल्टी टेक्सचर की क्रबलिंग कर दूँगी, कुछ सेटअप लगा लगू के, तो जस्ट उस पर फोकस है मेरा। और बेशक मैं रियलाइज़ नहीं करवाती है कि मैं भी मैं भूल चुकी हूँ मैं सेलिब्रेशन वीडियो ना डालूँ, बट नहीं, मैं अंदर ही अंदर उसका सेहत पे मेरे एक ऐसे तलवार नहीं होती लटकी होती कि नहीं करनी ही करनी है तुमने, चाहे देर से ही क्यों ना हो। तो कुछ लोग इस बात से रिलेटेड होंगे कि बस कहीं जा रही कार कुछ रही नहीं है, लेकिन खैर थोड़ा सा पेशेंस रखें। और इन दिनों वीडियोज़ भी मेरी कुछ इस तरह से आ रही है कि मे भी आपको शायद पसंद ना आ रही हो मेरे चैनल पे, और ब्लॉग्स भी आपको ना अच्छे लग रहे हो मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेहनत करना और काम को क्या कहते हैं, अपग्रेड करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपकी काम को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ न्यू एडिशन करते रहना चाहिए, ताकि आपके काम को कभी ना कभी तो वो चीज़ वापस मिलती ही मिलती है जो आपकी चीज़ पहले से आपके पास आपको नज़र आ रही होती है अपने काम में। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला दिमाग उसी तरह काम करता है, आइडियाज़ उसी तरह माइंड में है, उसी तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं चीज़ों को करने के। लेकिन स्टिल अभी फ़िलहाल मैंने अपने आप को ब्रेक दी हुई एक तरह से, मैं कहती हूँ कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ फ़िलहाल, अभी मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। मैं सोच रही हूँ कि ये जो मैंने सैंड सीमेंट की बकेट में प्योर सीमेंट की बकेट में पानी डाला हुआ ना, इसको बाहर निकालूँ। अल्लाह, ये देखें बहुत हैवी है, पता नहीं निकलता भी है कि नहीं, तो फिर वे भी बकेट टूट जाएगा, टूट जाएगी बकेट, टूटती है तो टूट जाए, हम क्या कर सकते हैं। क्या
लगता है आपको टूट गई है जी, टूट गई है। टूटने पे इसकी हम एक भंगड़ा डालेंगे। चेक करते हैं हमारी शेप निकली है कि नहीं निकली है। लेट्स सी, 1, 2, 3। ओ माय गॉड, ये तो निकला ही है। माशाल्लाह, क्या प्यारी शेप निकली है। और ये देखिए, तुम्हारा और मेरा साथ अभी मजीद है। तुम चाहे मुंह फेर लो मेरे से, मैं तुम्हें फिर भी इस्तेमाल करूंगी। ऑलराइट, ये देखें भाई, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सिम। हाय अल्लाह, मैंने इधर क्यों निकाल लिया इसको। यहाँ पर तो ठुड्डे वड्डे वजह के वजने हैं ना, इनू किसी ने पैर मारने ने, पानी आने, इसने खराब हो जाना। बट कैसा रे। ये देखें जी, मैंने बकेट को घसीट के उधर कर दिया है। वो ऐसे भारी थी जैसे कोई, मतलब बहुत वज़नी थी, मुझसे तो बहुत ही ताकत महसूस की हुई थी। मैंने जब मैंने उसको साइड पे किया तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी से लगानी पड़ी है। एनीवेज, मैंने अपने मेहनती हाथों से उसको पीछे ठकाने लगा दिया, क्योंकि बिल्कुल इधर सेंटर में पड़ी हुई थी और मैं चाहती थी कोई उसको किक मार के जाए, कोई उस पर पानी गिरा कर जाए एंड ऑल दैट। ये कोई महीने का टेक्सचर बकेट में मड़ा पड़ा हुआ था, आज मैंने इसको होश दिलाई, सांस मिल रही होगी इसको अब प्रॉपर। नाउ आई एम गोइंग टू मेकिंग मुल्तानी मिट्टी शेप्स चंक्स। लेट्स सी कितनी माशाल्लाह जरा क्लीन लग रही है। देखिए यहाँ पे फूल बिछाए भाई मेरे रास्ते में, मैं इधर से आ रही हूँ। और अपने औजार पकड़ लेते हैं, तब मैंने वॉश करके रखे हैं। ये मुल्तान मिट्टी के पीसीज हैं, इसको हम कट करेंगे अभी। चले भाई, हम इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, मुझसे वो पूछ रही थी, रुबाब भी आपने पेस्ट ऐसे पाउडर पे डाल दिया था, आपने इसको कुछ मिक्स विक्स करते हुए दिखाया तो आपने क्या किया था। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने ऐसे इसको छोड़ दिया था। यू कैन सी, ओएमजी, इट्स टू हार्ड। इट्स ओके, बस कट लगाने, निकलेगा नहीं क्योंकि अभी ये नरम ही है। रियली, तुम निकल सकते हो बाहर? ठीक है, हम करते हैं इसका कुछ इलाज। इधर करते हैं और इस टप को नीचे करते हैं, ये ना हो बेचारे की लक टूट जाए इस चक्कर में। ऑलराइट, चलो भाई, ईट ईट चोटी का जोर जोर दौड़ लगाते हैं। मिनी मिनी पीसेस कर लेते हैं, जल्दी ड्राई हो जाएगी। आप भी खाने ये आ करूँ, मैं आपके लिए पेस्ट्री कट कर रही हूँ। वुड यू लाइक टू ईट दिस? यस मामा। ओ माय गॉड, माय हैंड्स, क्या सीरियसली डर्ट्स कटिंग जो है ना, वो अम्मा जी का कार्ड नहीं है थोड़ी। शोल्डर से आ जाते हैं आपके, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट द कटिंग ऑफ डर्ट टेक्सचर। शक्ल पीछे मारी ऐसे बनी होती जैसे मैं बता नहीं सकती। आई गो
साथ गए। इस कटिंग के लिए आपको 2.5 किलो का हाथ चाहिए। जी बिल्कुल, 2.5 किलो का हाथ। पापा पापा, 2.5 किलो का हाथ मुझे दे दीजिए अपना। मेरा लगता है टाबू टूट गया। घड़ी मेरा टब टूटा तो क्या करूंगी मैं, टूट ही जाते हैं। आगे मेरे इन दिनों 2-3 टब टूटे हैं। अल्लाह मेरा बासू। खून ही नहीं अंदर है तो नज़र क्या आना है लाली। ये देखें आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये जो सेंटर में जो उसका वो नहीं कोना, उससे चुभा बहुत ज़्यादा मेरे पर। ये क्या लिखा हुआ है इससे, मैंने आज पढ़ा है। चंड अल्लाह मेरी तौबा, चांद को पढ़ा चंड फिटे बहू। चले भाई इसको बाहर निकालते हैं। यार मैंने ना ही कुछ चिंता ना, मैंने इस बारे में ये हम देखते हैं हमारा टेक्सचर कैसे बाहर निकलता है। ये देखिए सॉफ्ट ही है, check it out this। हम इसको इधर रख देते हैं ताकि इसको धूप लगे अच्छे से, धूप लगे इसको और ये ड्राई जल्दी हो जाए। मुल्तानी मिट्टी, हमारी मुल्तानी मिट्टी ड्राई हो जाए अच्छे से। कम कम आउट, यस 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 यस, इज ऑलमोस्ट गॉन। ये भाई मेरी ना अंदर की जो अंदर का जो कीड़ा है ना वो मुझे सुकून से ही बात चलने देता। मैं बहुत ब्लॉग के अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तमीज़ से रहूँ, कुछ गलत मलत मत बोलूँ, बट जो मैं बोल रही हूँ अपने मुँह के अंदर जो बात, इट्स नेचुरल। ठीक है, डोंट इरिटेट विद मी, डोंट इरिटेट। कभी कभी ऐसी गॉसिप्स बर्दाश्त कर लिया करें। ठीक है, अगर मैं ये व्लॉग चैनल ना चला रही होती तो मेरा कोई और व्लॉग चैनल होता, यकीन करे आप लोगों ने मुझे पहचानना नहीं था। आप कहते तो तुम ये सब कर रही थी, रियली सीरियसली। यस चले भाई, ये सब कुछ कर दिया मैंने, सब कुछ कर दिया मैंने। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ ऐसे ही, और इसको इधर ही रह दूँगी। मे बी इस टाइम ड्राइव हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेट्स लीव दिस, वो देखें वो देखें वो देखें। चलो वीडियो बना लेते हैं, दूर चले गई हैं वहाँ से। अच्छा मैंने ना बहुत मीटिंग से निकल रहा है,
येलो टाइप कीड़े बना लिए और ये शेप बची हुई थी तो मैं इसको ब्लॉक के अंदर कवर करती हूँ। ठीक है, दिस वन क्या टेक्सचर तो जिसके अंदर शायद बॉल है, इसको मिक्स कर देते हैं। लेट के नाउ को छोड़ देती हैं। ये मेरे हाथ में बहुत थके हैं, मैंने आपके से ना बहुत ताकत लगाने वाले काम किए हैं जिससे हाथ से मैं दर्द है। स्टिल मैंने वीडियो मेरे हाथ थके हैं, वीडियो भी ऐसे थकती है, टेक्सचर हार्ड है पर टेक्सचर बहुत मिलेगा था कमी है। अब देखते हैं इसकी जाके ओके दैट्स इट। ये मैं इसको इक्वली रखती हूँ, इसकी टब में निकाल लूँगी, इसमें नहीं रहने देना। मेरा टब जो है ना प्यारा सा क्यूट सा खराब हो जाए। चलिए हम इसकी क्रमिंग करते हैं। शुरू देना शुरू करो। अब ऐसा ना कर, ये गीली है इसको छोड़ते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, ये हाथ ही क्या बड़ा है। मैंने
कोई काम नहीं किया है सवाए चीज़ों को इधर उधर करती रही ना कोई व्लॉग बना सके हूँ, क्योंकि बहुत इर्द गिर्द टेक्स्चर्स को ना एक दूसरे में क्या कहते हैं टब्स में निकालना था कुछ, और थोड़ी सी सैंड जो थी वॉश करनी थी मुझे, तो उसी कामों में लगी रही। और कुछ आयशा ने ऊपर आते इतना शोर डाला ना, ये बिना इजाज़त के ना यूरिकस मार्केट टेक्सचर कंबल गाड़ी होती है, तो मेरी जब नज़र पड़ी है तो मैंने तो इसको डांट के सीटा में मना करके नीचे भेज दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे आने से पहले छत पे आई हुई थी शायद, पता नहीं कितने कितने उनके टेक्सचर क्रम्बल किए हुए थे। तो वो आकर इसको बोल रही थी और ये दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो मैंने फिर बैठी रही हूँ इनका इंतज़ार कर, अभी जाकर ये चुप हुई है लड़की, क्योंकि वो बोल रही थी चीखने लगी थी कि मैंने नहीं किया जबकि मैंने इसको देखा था ये काड़ी थी, तो उसको गुस्सा चले कि झूठ बोल रही है ऊपर से टेक्सचर भी क्रम्बल किए हैं मेरे। खैर अब मैं ये देखें, मैंने इस टब में टेक्सचर निकाला और वो टेक्सचर को क्लीन किया थोड़ा, जो झूठ बोलता उसका क्या होता है मुँह काला होता है, तो तू जरा शीशे में तू देख जाके अपना मुँह। मैंने कहा जाके अपना तो तुम्हारा काम है सारा दिन, ये देखो काम है कोई ऐसा भी कि जिस पे ना किया जाए बात, इसको भी डांट पड़ी है, पानी पी लो ये देखें जो भी इस गए आयशा को डांट पड़ रही है, वो तड़प रही है पीछे इन दिनों कुछ इस तरह के बेकार ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि मैं कामों में लगी होती हूँ, अपनी चीज़ों को ठीक करने में लगी होती हूँ और शोर भी बहुत होता था। मेरे से हाथ भी एक वीडियो बनाई जा रही है, बंदा अगर गई वीडियो मैंने कल पुरानी डाली थी एक नई डाली थी, आज भी एक ही बन पाई है। ये नहीं कि मेरे टेक्स्चर रेडी नहीं है, ड्राई नहीं है, मेरे माशाल्लाह सब टेक्स्चर ड्राई हैं कुछ एक दो को छोड़ के, तो लेकिन काम की वजह से मेरा ध्यान सारा जो होता है ना वो चीज़ों पे होता है, टेक वीडियोस पे नहीं हो पा रहा है। तो खैर कोई नहीं, जब वीडियोस नहीं बना पा रही है तो आप सोचें ब्लॉग कहाँ से मुझसे बनाया जाएगा। अब मगरिब का टाइम करीब आ गया है, मैं मिलूंगी इंशाल्लाह ताला आपसे कल, और आज के इस बात से ब्लॉग एंड करते हैं, आज़ादी शुरू हो गई है, तो देखना होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो ना से कोई गल नहीं तो स्किप कर दें, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए भाई, छत से आने के बाद इशा के बाद मैंने बैठी हुई थी, मैंने अपने लिए शरबत बनाया और एक में ज़रा हैंड पे लगा लूँ, बहुत शोर आ रहा है। तो भाई हम ठूसने लगे हैं गोलगप्पे, फर्स्ट गोलगप्पा फॉर माय स्वीट हार्ट स्वीटेस्ट सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ये मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से गोलगप्पा बाइट ले जा रही हूँ, आप सबको भी मेरी तरफ से ये करूँ अगर खांसी शुरू हो गई फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे मेरे गोलगप्पा मुँह में चुभ गया जाके, इतना बड़ा मुँह खोलना पड़ा है मुझे उसको खाने के लिए। मम्मा आपको गोलगप्पे कितने पसंद हैं? बहुत ज़्यादा, मैं ये जब खाने लगती हूँ ना तो ये अंदाज़ा ही होता कि खाई जा रही खाना खाते हुए तो पता चल जाता पेट भारी है, लेकिन गोलगप्पे ऐसी चीज़ है कि खाते जाओ पेट नहीं भरता, सब खाए जाओ। आपको गोलगप्पे घाट बैठ के खाने का मजा था कि स्टॉल पे जाके? बाजी की शादी थी ना तो उन्होंने ना माइयों पे ना गोलगप्पे रखे थे, यकीन करो मैंने गोलगप्पे खाए, मैंने खाने की तरफ ध्यान नहीं किया, गोलगप्पे खा लगा रहा मैंने कहा खाने की तरफ ध्यान ही नहीं मेरा गया, मैंने कहा नहीं मैंने गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे लवर है एक आप गोलगप्पे लवर और एक आप चना चाट आलू चने खट्टे वाले होते हैं। देख ले भाई गोलगप्पे जो है लड़कियों की कमजोरी है। क्या है
बिरयानी दे के मुंह में पानी आ जाता। मैं बिरयानी हर चीज एक साइड पे भूल गए। मैंने मुझे बिरयानी की कोशिश ही नहीं पड़ी। मैंने कहा नहीं भाई गोल गप्पे खान। कितने खाए थे आपने गोल गप्पे? बेशुमार खाए। मेरा ख्याल है कि मैंने 3-4 प्लेट ली गोल गप्पे। जो सरवाइवर डिस्प्यूट यूज कर रहा था वो कह रहे भाजी आपने खाना नहीं खाना। मैंने कहा नहीं मैंने गोल गप्पे खाने। मुझे छोड़ दे आज। गोलगप्पों के हवाले कर देते। चले भाई ये था एक मज़ेदार सेशन जो आपके साथ शेयर किया। चले मिलते हैं हम आपसे बाद में इंशाल्लाह ताला। जो एक फेवरेट चीज़ हो ना वो ज़्यादा खाई जाती है। खाना खाते हो एक रोटी खा लो दूसरी खाने को नहीं दूसरा पेट भर जाता है। लेकिन ये कौन को एग्री करता है मामा की बात से? ये देखिए मैंने कद्दू बनाए हैं। कद्दू बनाने के बाद हाथों का हाल चेक करिए कैसे उतरता है। मैं हाथ अभी वॉश करके देखती हूँ। मुझे तो लगता है ये मेरी स्किन में घुस गया है। कोई आइडिया है? थोड़ा गड़ा गड़ के लगता है धोना पड़ेगा मुझे। खैर वॉश करके दिखाती हूँ आपको। भाई साहब हाथ धो के आ गई हूँ मैं। देखिए ये लगा हुआ है। अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के आई हूँ लेकिन अभी भी नहीं उतर नहीं रहा है। मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गई थी। खैर उतर जाएगा बाकी का भी। मैं क्या खाई हूँ? ASMR है। आइए मैं आपको आशा से मिलाती हूँ। ये देखिए आशा को। आशा हाय करो सबको। इतना प्यारा हाय नहीं करना तो अच्छे से हो जाए। मैं तो देखो ना ओए मेरी जान। आशा के बाल तो देखो। आशा की न्यू ग्लासेस आए हैं है ना आशा? ओए नी। ये बहुत शर्म आ जाती है। आशा सब्सक्राइबर्स को क्या कहना चाहोगी? है जान देखा बेटी को मैंने नहीं देखा। बस शेपो बस बेटी नहीं दिखाई। ना नाचते ना दिखाओ लोगों को। लोग डर जाएंगे तो बन जाते। बस टांगे दिखाई हैं और हाथ दिखाए हैं। वो भी छोटी है वो कैमरे के सामने नहीं लेकर आ सकते। मेरी बिना का नाम मिली है आप। चले जान हो। चले ठीक है मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह ताला। अभी खाना बन रहा है। अगर खाना बन गया है हाँ छत पे इंशाल्लाह ताला। तो कभी खाना बन रहा है खाना बन जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला वो भी थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। हाँ ये देखिए अल्लाह के नाम लगे हुए हैं और कितने सुकून से सुन रहा है। कितना खुश होकर सुन रहा है माशाल्लाह। बहुत खुश हो के अल्लाह पाक का नाम और जिक्र सुनता है। ये देखिए मेरा कद्दू जो है। ये देखो मेरी कागी को। मैं कद्दू कहाँ जाए चूचू लेके? ओ कद्दू ओह बिस्मिल्लाह उठो मेरा शहजादा। मेरा शहजादा ये चूचू से भाभी ही नहीं दू। ताकि अभी क्या पकड़ा हुआ है? इसने तो पारा शो चूचू पकड़ा हुआ है। अपने जैसे चूचू अपने जैसे चूचू पकड़ा हुआ है। अपनी ये चूचे से बाबा नहीं। आजो 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 चूचे गिर जाओगे ऐसे। ध्यान से ये चीजें साइड पे कर दो। वो देखो वो देखो वो देखो मैं काका नहीं इसके पीछे पीछे मुझे चलना पड़ रहा है। ये देखिए मियाँ को। ओ इधर आ जा चला बाहर चले। लाइटर इसे लाइटर पकड़ लिया सीटी भी। ओए छह बार जीती हूँ। स्टेप वन
स्टेप वन बिस्मिल्लाह। सर पे लग जाएगा ये, खतरनाक चीज पकड़ी हुई है। कदू आपके आलूमिया, आलूमिया कहाँ पे है? अंदर चला गया। ये देखिए जी, अभी मूडी एस्मार ने बनाया है पालसे का जूस, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है भाई। समर्स में जितना हो सके इसका इस्तेमाल करें, तो गर्मी होती है तो ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, इसको लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करें। अब बस पालसे आ गए ना, तो अब इसकी डेली ड्रिंक बना करेगी इंशाल्लाह ताला हमारे घर में। अब हम खाने लगे हैं खाना, और ये बनाए हैं राइस, तड़के वाले राइस मेरी भाभी ने बनाया खाना। मेरी माशाल्लाह भाभी खाना बनाती है भाई, हाथ सड़ गया। और ये क्या है, चलो देखते हैं। ऐसे देखते हैं इसे, मुझे पता नहीं है। ये है भाई घिया चिकन, घिया बैंगन चिकन, दोनों मिक्स सब्जियों के साथ चिकन का कुछ सब्जी बनाई है। तो आप लोग मुझे बताने कौन घिया चिकन बैंगन घिया को मिक्स करके बनाता है। तो ये आज का हमारा मेन्यू, मैं दे दूँ सबको, सर्व कर दूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने अपने चावल डाल लिए और फर्स्ट बाइट आपके साथ मैंने, और मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, खाना खा लूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं बहुत सारे टाइम के काम याद रखेगा।